एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सक्सेसफुल किचन। आज हम ले रहे हैं एक कप आटा, एक टेबलस्पून सूजी, एक टेबलस्पून बेसन। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून अजवाइन, अच्छे से उसको मसल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथ से इसको क्रश कर लेंगे, अगर मेथी सीली हुई हो ना तो आप तवे पे रोस्ट कर लें, इस तरह से क्रश हो जाना चाहिए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सारा ये ऐसे सूखा मिलाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस आटे को सॉफ्ट लगा लेंगे। पहले मैं इसमें एक चम्मच ना देसी घी भी डालूंगी, इसे डालने से ना खस्ता हो जाता है, तो हमने घी डाल लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसका आटा लगा लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट, और फिर इसको लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ना रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो ना रात में आप ऐसे तैयारी करके रख लें, चॉप करके वेजिटेबल्स को, और ये फ्रेश रैप से पैक करके रख लें। ये देखिए, तो इस तरह से तैयारी करेंगे ना तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। बहुत फाइनली मैंने ये सब चॉप किया है। एक चम्मच हमने घी पैन में गर्म कर लिया है, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा, उसके साथ ही साथ डालेंगे हम इसमें प्याज, और हमें ना ये हल्का सा सॉटे करना है। अब हम डालेंगे इसमें गाजर, इनको भी एक मिनट के लिए सॉटे करेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं गलाना है। अब हम डालेंगे इसमें ये शिमला मिर्च सबसे लास्ट में, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये अब इसमें डालेंगे हम कुछ चिली फ्लेक्स, ये आपकी पसंद है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च 1 पिंच के करीब, और अब हम स्टफिंग को ना ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए, ये स्टफिंग ना मैंने थोड़ी सी इसमें निकाल ली है प्लेट में, और ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ये ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूंगी, जो 1/4 कप के करीब है, पर आप जो है ना अपनी मर्जी से जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब ना इसको आप टेस्ट करके देखेंगे, इससे क्या एक बाइंडिंग हो गई। आप देखिए ऐसे करके ना बाइंड हो गया है, तो आप इसमें टेस्ट करके देख लें। ब्लैक पेपर, नमक, कुछ भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और ये डाले हैं, तो हेल्दी पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं। आटे को हमने ढक के रख दिया था, ये देखिए, और ये कुछ इस तरह का हो गया है, स्मूथ आटा है। देखिए आटा ना कितना स्मूथ हो गया है, आपको मैं दिखाऊं, रखना जरूर है 10-15 मिनट के लिए। और हमने ना इसमें अजवाइन, कसूरी मेथी ये सब डाली है, ये देखिए। तो इस टाइप का हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। अब हम इसमें से जितनी हमें लोई चाहिए, जितना बड़ा हम पराठा बनाएंगे उतना हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखे आटे से डस्ट करेंगे, इसको ऐसे हाथ से बढ़ाएंगे, देखिए, और यहां पर इसको हम ना अच्छे बड़ी रोटी बेल लेंगे। इसकी स्टफिंग करनी है तो इसमें हम अच्छी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। यकीन मानिए इसको सब बहुत पसंद करने वाले हैं। आप टिफिन में देंगे ना बच्चे खुश होके खाएंगे, सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर जाएगी। तो ये हमने ऐसे कर लिया, पराठे को ऐसे बना लिया, और अब हम इसमें बीच में रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग ऐसे रखने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले इधर से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमें इसको पतला बेलना है, ठीक है, हल्का सा पानी लगाएंगे ऐसे इसको। बहुत आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, तो आप कोशिश करेंगे ना आपसे आसानी से बन जाएगा, और फिर खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो इस टाइप से हम इसको ऐसे कर लेंगे, और सूखा आटा ना हम इस पे डस्ट करेंगे दोनों तरफ। ये देखिए ऐसे तैयार हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे, देखिए बिल्कुल भी वेजिटेबल्स बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि बाइंड उनको अच्छे से किया गया है, तो
तो मुझे लगता है आपको ये बहुत आसान लगेगा और बहुत ही यमी लगने वाला है। आप इसमें कटा हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, बस बिल्कुल हल्के हाथ से ना, कहीं से भी ज्यादा मोटा पतला ना हो, किनारे भी देखते हुए आपको इसको बनाना है। ये देखिए, आप ऐसे उठाइए, कहीं से भी सब्जियां चिपकी हैं, निकली हैं, या पराठा बहुत मोटा है, नहीं, चारों तरफ से बराबर है। तो ये कोने ना स्पेशली आप पतले बेलिएगा। तो अब हम इसको डालते हैं तवे पर, तवा ऑलरेडी हमने गर्म किया हुआ था, मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब पराठे को हम इधर से ऐसे पलट लेते हैं, लोहे के तवे पर हम पराठा बना रहे हैं। इसको अब इधर से हम लगाएंगे घी, आप ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम इसमें घी लगा रहे हैं, वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो इस तरफ हम लगा देंगे घी और फिर पराठे को पलटेंगे। ये देखिए, है ना यम्मी, बढ़िया पराठा बनकर तैयार होगा आपका ये। तो चारों तरफ से हम घी लगाते हुए इसको बना लेंगे। ये देखिए, हमें ना चारों तरफ से सेकना है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये भी सब ब्राउन हो जाना ही चाहिए। तो हमें चारों तरफ से इसको पराठे को सेकना है, धीमी आंच पे सेकना है। ये देखिए, हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। इसके ऊपर हम रखेंगे चीज और इस पे रखेंगे हम थोड़ी स्टफिंग जो हमने ऑलरेडी भर के तैयार किया है। स्टफिंग को इस पे रख देंगे। इस तरह से और इसको पैक करेंगे। यहाँ पे पानी लगा देंगे इसको चिपकाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप एक ऑप्शन बच्चों के लिए रख सकते हैं, घर में बना सकते हैं चीज का पराठा। और इसको भी हम उसी तरह से बेल लेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पराठा अच्छे से सिक गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, पराठा बिलकर तैयार है और अब हम इसको डाल रहे हैं तवे पर और इसको उसी तरह से सेक लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए, दूसरा पराठा हमारा तैयार है और मैं ये आपको दिखाती हूँ यहां से कट करके। गरम है अभी बहुत। ये देखिए, मुझे नहीं लगता कोई इसको पसंद नहीं करेगा खाने के लिए। देखिए कितना यम पराठा है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, चीज है, जिन बच्चों को चीज पसंद है, क्रिस्पी आप सुन सकते हैं। तो करते हैं इनकी प्लेटिंग। इस पराठे को ना मैंने बीच में से कट किया है, फिर ऐसे ट्रायंगल्स बना दिया है, बच्चे ऐसे टिफिन में लेके आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो बहुत यमी। आइए करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए, हरी चटनी जो मरवे की बनी है उससे खाइए, या फिर दही से खाइए, या फिर बटर से खाइए, और मैं तो कहती हूँ ऐसे ही खा लीजिए। इतना यमी ये पराठा है, बहुत ही। देखिए, ऐसे स्क्वायर पीस करके दे देंगे ना तो बच्चों को भी खाने में इजी रहेगा और वो खूब खुश होके खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।